हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवव्रत ब्लॉग्स में। मेरा नाम है शिवव्रत गुप्ता और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है नवरात्र, तो शिवव्रत गुप्ता यानी कि शिवव्रत ब्लॉग्स की तरफ से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो साथियों, मैं इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ माता रानी के प्रांगण में और माता रानी के दर्शन कराऊंगा और आप सभी को इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर से जुड़ी हुई एक कहानी भी सुनाऊंगा और इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप महाराजगंज से हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक, अपने परिवार तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो साथियों, अभी आप कर रहे हैं माता रानी यानी कि महाराजन के दुर्गा मंदिर का भव्य शिखर दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को लेकर के चलते हैं माता रानी के प्रांगण में और आपको इनसे जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक कहानी आप सभी को बताते हैं। तो बात करें दोस्तों इस ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर की स्थापना के बारे में, तो इस मंदिर का स्थापना 24 मार्च 1979 में हुई थी। लेकिन माता रानी का यह स्थान बहुत ही प्राचीन समय से रहा है और यहाँ पर एक बाबा रहते थे जो अपंग थे। ऐसा कहा जाता है कि वो पूजा करते करते एक बार माता रानी का कृपा हुआ और वो अचानक से अपने पैरों पर खड़े हो गए और वो मतलब स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। और इसी चमत्कार के बाद से लोगों का इस मंदिर की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया। तो अभी साथियों, आप सभी लोग माँ दुर्गा देवी जी के दर्शन कर रहे हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं और इस वीडियो को अपने साथियों, अपनी फैमिली तक जरूर शेयर करें। इसी चमत्कार के बाद से यहाँ के लोगों का आकर्षण इस मंदिर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और फिर इस ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर की स्थापना 24 मार्च 1979 को हुई। इस मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन श्री दुर्गा मंदिर के संस्थापक और अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबरेवाल के द्वारा आज से 42 साल पहले किया गया था। अभी आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे के प्रांगण का है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु, यहाँ पे माता रानी माँ दुर्गा देवी जी को चुनरी और कपूर अगरबत्ती साथ में नारियल चढ़ाते हैं। और साथ ही आपको एक खास बात बता दूं कि मेरे एक चाचा जी हैं जिनका नाम सूर्यबली है, उन्होंने इस मंदिर में शिलान्यास के बाद लगभग 10 साल तक इस मंदिर में सेवा किया है। और अब आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये मंदिर के बिल्कुल पीछे का फील्ड है जहाँ पे मेला लगता है और हर साल प्रत्येक साल इसी फील्ड में माता रानी का दशहरे में दरबार सजाया जाता है और अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक बार कमेंट में माता दुर्गा देवी का जयकारा जरूर लगाइएगा और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली, अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो साथियों, अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं वो तो अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है और दशहरे का जब मेला लगता है उस दिन लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु माता देवी के दर्शन करने आते हैं। तो मेले में ज़रूर आइएगा और माता जी के दरबार में भी ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए। माता जी भी आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें, मेरी ऐसी मनोकामना है। साथियों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं शायरी और पोएट्री भी लिखता हूं और आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर देखिए, शॉर्ट्स वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा मेरी शायरी। और देखिए, ज़रूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा।
और साथियों आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द इसी नवरात्रि में एक और वीडियो आने वाला है, वो है फरिंदा आनंद नगर में लेहड़ा देवी मंदिर से आएगा और वहाँ की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कैसे उस मंदिर की स्थापना हुई। अब तक आप साथ बने रहे, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आपने माता जी का दर्शन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।